नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 2020 क्रेटा की टेस्ट ड्राइव रिव्यू के बारे में। आप सबसे शेयर करेंगे इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस। इसके अलावा इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आप सबसे इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट कि कितनी जल्दी ये गाड़ी जो है वो 0 से 100 की स्पीड कवर करती है, और ओवरऑल इस गाड़ी की जो राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी कैसी है वो आप सबसे शेयर करने वाले हैं। कैसे इस गाड़ी का कंफर्ट, स्टीयरिंग कैसा है, माइलेज कैसी है, तो ये सब हम आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी 2020 क्रेटा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर टर्बो, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपसे इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको देते हैं ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, हमारे पास जो गाड़ी है वो है 2020 क्रेटा का पेट्रोल वेरियंट, और ये गाड़ी जो है 1.4 लीटर टर्बो DCT है, जिसमें हमें मिलती है 140 PS की पावर और 240 Nm का टॉर्क। तो गाड़ी में बैठने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़, जो सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होने वाली है, वो ये कि इस गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और सीट पे बैठने के बाद जो है हर एक चीज़ की पोजीशन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगने वाली है। चाहे हम बात करें स्टीयरिंग की, पैडल्स की, तो ओवरऑल जो हर चीज़ की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है, और यहाँ पे बैठ के जो है आपको फ्रंट विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे से और क्लियर लगती है। फ्रंट का बोनेट जो है वो भी आपको बड़े ही क्लियर विजिबल हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, और ये सीट जो है वो 8-way एडजस्टेबल है ड्राइविंग सीट। और इसके अलावा इस गाड़ी का जो फ्रंट ए पिलर है वो भी इतना ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है कि आपको देखने में परेशानी हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और इसमें हमें 3 मोड्स, ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि इको, स्पोर्ट्स एंड कंफर्ट मोड। और अभी जो राइट नाउ हम जो चला रहे हैं वो है इको मोड, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है ये गाड़ी चलाने में हमें लग रही है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें इस गाड़ी की लगी वो ये कि आपको रोड साइड नॉइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेबल लगेगा। आप गाड़ी में बैठ के अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं फैमिली के साथ, तो आपका जो कैबिन है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहेगा, जो टायर से जो साउंड आती है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेबल है। और इंजन साउंड की अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की यहाँ इंजन से हमें जो है साउंड सुनने को मिल रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये टर्बो वेरिएंट है, तो टर्बो वेरिएंट में हमें इतनी साउंड जो है वो एक्सपेक्टेड है, और जो कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देती है। आपको गाड़ी चलाते हुए एक स्पोर्टी कार वाली फील आती है अगर आपके पास टर्बो वेरिएंट है। तो स्टीयरिंग की बात करें तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो ना तो ज़्यादा लाइट है ना ही ज़्यादा हैवियर है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होने वाला है, क्योंकि एक जो लाइटर स्टीयरिंग होता है वो आपको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि हल्का फुल्का कहीं टर्न ना हो जाए अपने आप, और एक हैवियर स्टीयरिंग होता है उसको चलाने में मज़ा नहीं आता है। तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड टर्निंग रेडियस इज़ ऑल्सो गुड। तो चलिए अब हम चलते हैं हाईवे की साइड और करते हैं इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट। तो तीनों मोड्स में हम जो है परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, स्पोर्ट्स, इको और कंफर्ट में 0 to 100 जो है कितनी जल्दी ये गाड़ी कवर करती है। तो चलिए पहले चेक करते हैं स्पोर्ट्स मोड में। तो आपने देखा इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट, 9.06 सेकंड्स लेती है ये गाड़ी 0 to 100 कवर करने में इसके स्पोर्ट्स मोड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विक है। और वही अगर हम बात करें कंफर्ट मोड की, तो कंफर्ट मोड में इस गाड़ी ने लिए हैं तकरीबन 11 सेकंड्स,
और इको मोड की अगर यहाँ हम बात करें तो इको मोड में इस गाड़ी को लगे 12.50 सेकेंड्स। तो ये ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट। तो कुछ और पैरामीटर्स की हम यहाँ बात करें तो जो सस्पेंशन है इस गाड़ी के वो थोड़े से हार्डर साइड हैं, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड लगते हैं अगर हम हाईवे पे ये गाड़ी चलाते हैं। तो ओवरऑल जो हाईवे ड्राइव की इस गाड़ी की जो फील है वो पहले से ज़्यादा प्लांटेड है, पहले से ज़्यादा जम के चलती है ये गाड़ी पुराना क्रेटा से अगर हम कंपेरिजन करें तो। और एक जो हमें इस गाड़ी में कमी लगी वो ये कि टॉप वेरियंट में भी हमें जो है 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो ड्राइविंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आप टर्न ले रहे हैं ड्राइवर साइड पे तो काफ़ी इजी बना देता है ये फीचर आपको, जो कि हमें सेल्टोस में देखने को मिल जाता है लेकिन हमें क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट में भी ये फीचर देखने को नहीं मिलता। और एक बड़ा ही अच्छा फीचर जो है इस गाड़ी का हमें लगा वो ये कि इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी एक्सपेंसिव कार्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें ओडी में देखने को मिलते हैं। तो ये फीचर अब हमें हुंडई क्रेटा में भी देखने को मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो काफ़ी ज़्यादा इजी और क्विक हो जाती है। अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप इससे मैनुअल की तरह काम ले सकते हैं। पैडल शिफ्टर आपको जो है आपके स्टीयरिंग व्हील के साथ देखने को मिलते हैं, बड़े ही ईजिली आप जो है यहाँ से गियर्स चेंज कर सकते हैं क्विकली और ओवरटेक कर सकते हैं। इस गाड़ी का बेहद ही खास फीचर, इसके अलावा हमें ट्रैक्शन कंट्रोल फंक्शन जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सैंड स्नो, जो कि आपकी गाड़ी की ड्राइविंग को और भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं। तो ये थी इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग क्वालिटी। और इसके अलावा अगर हम बात करें माइलेज की, तो हाईवे पे जो हमें माइलेज मिली है वो है 17 की, जो कि हमें कंफर्ट मोड में मिली है। और मैं आपको बता दूं कि ये माइलेज जो है वो हमें 2000 की आरपीएम नीचे रखने पे और 80 की स्पीड पे हमें ये माइलेज मिली है, 80 to 90 की स्पीड पे ही हमें ये माइलेज मिली है, जो कि काफ़ी सही है। और अगर हम बात करें सिटी माइलेज की, तो सिटी माइलेज जो हमें मिली है वो है 9 to 10 के एमपीएल की, जो कि हमें मिली है इको मोड में। और मैं आपको बता दूं कि इस माइलेज में हमारे जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट है, डीसीटी और 1.4 लीटर टर्बो, जिसमें जिसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 19 लैक्स प्लस का। तो ओवरऑल इस गाड़ी में हमें बेहद ही अच्छे और कंफर्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी एक्सपेंसिव कार्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपको इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको काफ़ी अच्छे एक्सपेंसिव और कंफर्ट फीचर मिले, जो कि हमें काफ़ी हाई लेवल की कार्स में देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए ये गाड़ी जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी कार है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें कि किन लोगों को ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए ऑटोमेटिक, तो अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे कि दिल्ली या फिर बॉम्बे, तो आपके लिए ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़न टू ड्राइव होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी जो है चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और इन मेट्रो सिटीज़ में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से अगर आप मैनुअल गाड़ी ख़रीदते हैं और मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है। तो ऐसे में ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव रिव्यू। और अगर आपके इस गाड़ी को लेके या फिर वीडियो को लेके कोई भी क्वेश्चंस है या फिर सजेशंस है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।